बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डू द डिक्टेशन वर्ड्स फ्रॉम योर चैप्टर द 1000 रुपी नोट, एंड हियर दे आर: यॉन, ग्रैप्ड, स्क्वीज्ड, ग्रॉन्ड एंड रैटल्ड। यू हैव टू राइट देम ऑन योर इंग्लिश ए नीट नोटबुक। देन यू हैव टू राइट द आंसर क्वेश्चंस, एंड हियर दे आर: आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन: व्हाई डिड द मैन शेक हिज वाइफ जेंटली? We have covered this chapter before, so you must be familiar with the concept and with the story of this chapter. Your question is asking about कि आदमी ने अपनी वाइफ को जेंटली क्यों उसको शेक किया था, क्यों हिलाया था आराम से। The man shook his wife gently to wake her but not frighten her. आदमी ने अपनी बीवी को इसलिए आराम से उठाया था या हल्का सा उसको हिलाया था ताकि वो जागे, ऐसा ना हो कि वो डर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन: डिड द लेडी गेट अप इमीजिएटली? क्या वो औरत जल्दी से उठ गई? नो, शी डिड नॉट गेट अप इमीजिएटली, नहीं वो जल्दी नहीं उठी। व्हाई डिड द बस स्टॉप सडनली? बस अचानक से क्यों रुक गई? द बस स्टॉप सडनली बिकॉज द लार्ज बॉक्स हैड फॉलन ऑफ द रूफ ऑफ द बस। बस इसलिए अचानक रुक गई क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉक्स जो कि बस के छत पर पड़ा हुआ था वो नीचे गिर गया। हु हेल्प द लेडी? औरत की मदद किसने की? अ यंग बॉय हेल्प द लेडी, एक नौजवान शख्स ने औरत की मदद की। वाई डिड द वुमन लुक सो अपसेट? औरत बहुत ज्यादा परेशान क्यों लग रही थी? द वुमन लुक्ड अपसेट बिकॉज शी हैड लॉस्ट 1000 रुपी। औरत इसलिए परेशान लग रही थी क्योंकि उसका 1000 का जो नोट था वो गुम हो गया था। You also have to write them on your English English A neat notebook.